इसमें कोई किसी को बुरा लगे, इंडिया को बुरा लगे, पाकिस्तान को बुरा लगे, वो नहीं बोल रहे। आपके हिसाब से 266 रन, सीधी बात यही है, पाकिस्तान इंडिया बच गया। आप बोल रहे हैं इंडिया बच गया, क्यों आपको लगता है कि इंडिया बच गया? 266 रन पाकिस्तान चेस कर लेती, व्हाई डू यू थिंक रेन है सेव इंडिया? प्लीज टेल मी। बिकॉज पाकिस्तान के दो बल्लेबाज इमाम और बाबर, इन दोनों के गेम प्ले के हिसाब का टारगेट था अगर पूरे 50 ओवर में 266 बनाने होते, क्योंकि बाबर को अपनी विकेट बचाकर खेलना आता है और इमाम ने जिस तरह से हाल फिलहाल में खेला, भला वो अफगानिस्तान के सामने जिस कारण से वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, आपको आराम आराम से बस विकेट बचाकर खेलनी थी। इमाम बाबर वो ये काम अच्छे से अभी हाल फिलहाल में कर कर आ रहे हैं, इसीलिए मेरा पूरा फाइनल टेक है कि पाकिस्तान जीत जाता है मैच अगर होता, इंडिया बच गया। लक्षित कह रहे हैं कि इंडिया बच गया है, पाकिस्तान गेम जीत जाता। लक्षित, मैं आपसे और आप दोनों की भी राय ले रहा हूं और मैं खुद भी बताऊंगा, आपको यह नहीं लगता इतनी ओवरकास्ट कंडीशंस में जहां उन्होंने भी डिफिकल्ट करा आपके ओपनर्स के लिए, शाहीन शाह अफरीदी हैं, बहुत बढ़िया है भाई, सुपर चैट दिखाइएगा, ले लेंगे सारी सुपर चैट लेंगे, लेकिन पहले ये कोई टॉपिक बर्निंग है। 11,000 दोस्त जो हमारे साथ है ना, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फेसबुक पे देखिए, फॉलो भी कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर खेलो स्टार को भी आप स्टार बन सकते हैं, खेलो स्टार पे वो भी विजिट कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी से लिखिएगा आप अपना कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है रेन सेव्ड इंडिया और रेन सेव्ड पाकिस्तान? लक्षित, मैं आपसे ये पूछूंगा भाई, जब उनके बॉलर्स ने ऊपर से आपको हिला के रख दिया, वहां पे भी ऊपर से प्रॉब्लम होती, फकर जमान की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई, वन ब्रिंग्स टू आपने हमेशा देखा है, बुमराह को विकेट मिल जाती है अगर सिराज को मिल जाती है, ऑब्वियसली सारा हाइपोथेटिकली है, आपको ये नहीं लगता कि अगर टॉप ऑर्डर उनका आउट हो जाता तो उसके बाद ज्यादा बैटिंग नहीं बची और 266 भी उनके लिए 320 जैसा होता? मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं दिल की बात कहूं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के टॉप थ्री फकर, इमाम और बाबर कहीं ना कहीं हमारे पेस अटैक को इजीली फेस कर लेते। जितनी ट्रबल शाहीन, नसीम और हारिस ने दिया ना हमारे टॉप ऑर्डर को, वो ट्रबल हमारे पेसर, मैं दिल से कहूं तो नहीं दे पाते। पाकिस्तान के बैटर्स ये 266 बहुत आसानी से कर जाते। जहां तक आपने ओवरकास्ट की बात कही कि ओवरकास्ट कंडीशन हमारे बॉलर्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, तो भाई कैंडी के मैदान में इतिहास रहा है, अंडर द लाइट्स बॉल बल्ले पर और बेहतर आती है। शाहीन शाह अफरीदी का पहली इनिंग के बाद आप स्टेटमेंट देखे, शाहीन ने भी यही कहा, कहते कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है ना और गेम थोड़ी सी पुरानी हो रही है तो बल्लेबाजी के लिए पिच आसान हो रही है, इसीलिए ये 5-6 कारण है जो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान फेवर में। पुरानी होती है वहां पे मार पड़ती है वो तो हमें पता है, वो तो हार्दिक ने ईशान ने दिखाया, लेकिन नई गेंद जब हमारे बुमराह के हाथ में होती है, आप बोल रहे इजिली फेस करता है, बिल्कुल नहीं करता कि इजिली हो जाता जी बुमराह और सिराज, फिर तो खेलना नहीं चाहिए हमें। खैर, इजिली का तो आपने शब्द बहुत गलत इस्तेमाल करा है, बट एनी